अथ सप्तदशो अध्याय षडत्व शोधन का निरूपण उपमन्यु उर्वाच अतः परम समावेक्ष पुरः शेषस्य योग्यताम् क्षणद्वशोधिं कुर्वित् सर्वबन्ध विमुक्तये। उपमन्यु कहते हैं यदुनंदन, इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षडत्व शोधन करेंगे। कलतत्वं च भुवन वर्णं पादमतः परम् मंत्रश्चेति समासेन षडध्वा परिपाठ्यते। कला तत्व भुवन वर्ण पद और मंत्र यही संक्षेप से छह अध्वा कहे गए हैं। निवृत्याद्य कला पंच कलाध्वा कथ्यते बुधे व्यक्तः कालभिरीतर वध्वानः पंच पंचभिः। निवृत्ति आदि जो पांच कलाएं हैं उन्हें विद्वान पुरुष कलाध्वा कहते हैं। अन्य पांच अध्वा इन पांचों कलाओं से व्याप्त हैं। शिव तत्वादि भूम्यन्तं तत्वाध्वा समुदाहितः षड्विंशत् संशयोपेत शुद्ध शुद्धो भयात्मकः। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्वाध्वा कहा गया है। यह अध्वा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से दो प्रकार का है। आधारादिमानान्तश्च भुवनाध्वा प्रकीर्तितः विना वेदोपभेदाभ्यां षष्ठी संख्या समन्वितः। आधार से लेकर उन्मना तक भुवनाध्वा कहा गया है। यह भेद और उपभेदों को छोड़कर 60 है। अशशद्रुद्ररूपास्तु वर्णावर्णादुसंहितः अनेक भेद संपन्न पदाध्वा समुदाहितः। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण हैं उन्हें वर्णाध्वा की संज्ञा दी गई है। पदों को पदाध्वा कहा गया है जिनके अनेक भेद हैं। सर्वोपमंत्र मंत्राध्वा व्याप्त परम वेत्यया यत शिवो न तत्वेषु गम्यते तत्त्वनायकः मंत्राध्वानि न गण्येत तथा सौ मंत्रनायकः कलाध्वनो व्यापकत्वं व्याप्यत्वं चित्तधारधाम। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्राध्वा होता है जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्वनायक शिव के तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्रनायक महेश्वर की मंत्राध्वा में गणना नहीं होती। कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्याप्त है। नवेति तत्वतो यः स नैवार्हत्य द्वशोधनम् षड्विधस्य त्वनोरूपम् न येन मिलितं भवे व्याप्य व्यापकतातेन यतुमिव न शक्यते तस्मादत्व स्वरूपम् च व्याप्य व्यापकतं तथा यथावदवगम्येव शोधन। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता है वह अध्वशोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अध्वा का रूप नहीं जाना वह उनके व्याप्य व्यापक भाव को समझ ही नहीं सकता है। इसीलिए अध्वाओं के स्वरूप तथा उनके व्याप्य व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अध्वशोधन करना चाहिए। विहस्तमानं कुर्वीत प्राच्यां करश मंडलम् ततः स्नातः शिवाचार्यः सशेषः कृतनेत्यकः भविष्य मंडलम् शंभो पूजां पूर्ववदाचरेत्।
पूर्ववत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहाँ करके पूर्व दिशा में दो हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनावे। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की ही भांति शिव जी की पूजा करें। हर्द्रम निवेद्य कूमार्थ शेषम समुपकल्पयेत् पुनः कल्पिते वात मंडले वनिवन्दिते सपयेत्तं च धनाशन देशो मध्ये च देशिका। फिर वहाँ लगभग चार सेर चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दे और शेष खीर को होम के लिए रख दे। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु पांच कलशों की स्थापना करे। चार को तो चारों दिशाओं में रखे और एक को मध्य भाग में। उन कलशों के मूल मंत्र के नमः शिवाय इन पांच अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि का ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्मों की स्थापना करें। ईशानम मध्य में कुंभ पुरुषम पुरुतस्थिते अघोरम दक्षिणे वामे वामं सत्यं च पश्चिमे रक्षां विधाय मुद्रां च बद्धा कुंभादि मंत्रणम् कृत्वा शिवानलय भूम प्रारभे तयथा पुरा। मध्यवर्ती कलश पर ओम नम ईशाय नमः ईशानम स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करें। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की। दक्षिण कलश पर ओम शिं अघोराय नमः अघोरम स्थापयामि कहकर अघोर की। वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वाम वामदेवाय नमः वामदेवम स्थापयामि कहकर वामदेव की। तथा पश्चिम के कलश पर ओम यम सद्योजाताय नमः सद्योजातम स्थापयामि कहकर सद्योजात की स्थापना करें। तदनंतर रक्ष विधान करके मुद्रा बांध कर कलशों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद पूर्ववत शिवाग्नि में होम आरंभ करे। यदर्धम पायसम पूर्वम होमार्थम परिकल्पितम उत्वा शेषस्य तच्छेषम भोक्तुम समुपकल्पयेत् तत्पुरान्तं च मन्त्राणां कृत्वा कर्म यथा पुरा उत्वा पुनाहुतिं तेषां ततः कुर्यतदीपनम् ओंकारादनुंकारं ततो मूलं पणन्तुकं स्वहान्तं दीपने प्राहु रंगानि च यथा क्रमं केशमहूतया श्रेष्ठ देयं दीपन कर्मणि। पहले होम के लिए जो आदि खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए दे। पहले की भांति मंत्रों का तर्पणांत कर्म करके पूर्णाहुति होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करें। प्रदीपन कर्म में ओम होम नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके क्रमशः हृदय आदि अंगों को तीन तीन आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय सिर शिखा कवच नेत्र त्रय और अस्त्र इन छह की गणना है। त्रिगुणं त्रिगुणीकृत्य बीजकन्यकृतं सूत्रं सूत्रेण सम्मन्त्र्य शिखाग्रे बन्धये शिशोः। इनमें से एक एक अंग को तीन तीन बार मंत्र पढ़कर तीन तीन आहुतियां देनी चाहिए। इन सबके स्वरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काते हुए सफेद सूत को एक बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करे। फिर उस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य की शिखा के अग्रभाग में बांध दे। तत्र योजये शान्तया मुद्रयादाय मूलमन्त्रेण मन्त्रवे उत्वा होति त्रयं तस्य सान्निध्यमुपकल्पयेत् हृदि सन्तर्य शेषस्य पुष्पक्षेत्रेण पूर्वः चैतन्यं समुत्पादाय पद शान्ति निवेद्य च सूत्रं सूत्रेण संयोज्य
संरक्षण कर्मण अवगुण्ठ्यत सूत्र शिशुदेहं विचिन्तयेत् मूलत्रयमशं पाशं भोगभोग्यत्वदक्षिणं विषयेन्द्रियदेहादि जनकं तस्य भावयेत्। शिष्य से ऊंचा करके खड़ा हो जाए, उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता है। सूत को इस तरह लटका कर उसने सुषुम्ना नाड़ी की संयोजना करे, फिर मंत्र के गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करे, फिर पूर्वक कुल फेंक कर शिष्य के हृदय में तारण करे और उस चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्र को एक सूत से जोड़े और होम फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत को शिष्य के शरीर में लपेट दे। फिर यह भावना करे कि शिष्य का शरीर मूल त्रयमय पाश है, भोग और भोगत्व ही इसका विलक्षण है, यह विषय इंद्र और देह आदि का जनक है। व्योमादी भूतलोकिन्य शान्त्यतीतदय कलह पुत्रस्वानाम प्रियोज पूज्यश्चैव नमो युतः अथवा बीजभूतस्तत् कृत्वा पूर्वोदितं क्रमः नतमरास्ते तत्त्वाद व्याप्तिं समवनुपयेत् करा व्याप्तिमलादौ च उत्वा सन्निपयेत् कलह। तदंतर शांत तीता आदि 5 कलाओं को जो आकाशादि दत्त रूपिणी है उस सूत्र में उनके नाम ले लेकर जोड़ना चाहिए, यथा व्योम रूपिणी शांत तीत कलाम योजयामी, वायु रूपिणी शांति कलाम योजयामी, तेज रूपिणी विद्या कलाम योजयामी, जल रूपिणी प्रतिष्ठा कलाम योजयामी, पृथ्वी रूपिणी निवृत्ति कलाम योजयामी इति। इस तरह इन कलाओं का योजन करके इनके नाम के अंत में नमः जोड़कर इनकी पूजा करें, यथा शांत तीत कलाये नमः, शांति कलाये नमः इत्यादि, अथवा आकाशादि के बीज भूत हम यम रम वम लम मंत्रों द्वारा या पंचाक्षर के 5 अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्राक्षरों द्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्व आदि में मलादि पाशों की व्याप्ति का चिंतन करें। इसी तरह मलादि पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देखें, फिर आहुति करके उन कलाओं को संदीपित करें। ऋषम शेरसि संताड सूत्रम देहि यथाक्रमम् शान्त्यतीत प्रदे सूत्रम् लक्षयेन मन्त्रमुच्चरन्। तदनंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शान्त्यतीत पद में अंकित करे। एवं कृत्वा निवृत्यन्त शान्त्यतीत मनोक्रमात् भूत्वा होत्रित्रयं पश्चन् मण्डले च शिवं जजे। इस प्रकार क्रमशः शांत्यतीत से आरंभ करके निवृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियां देकर मंडल में पुनः शिव का पूजन करें। दिवस दक्षिणे शिष्य मुपवेश्य तरामुखं सदर्भे मंडले दद्यत् भूमाशिष्टं चरं गुरुः। इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश युक्त आसन पर मंडल में उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होमा वशिष्ठ चरु उसे दे। शिष्य सद्गुरु दत्तम सकृत्य पूर्वकम् उपापश्चद् विराचम्य शिव मंत्र मुदीरये। गुरु के दिए हुए उस चरित्र को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले उसे खा जाए, फिर 2 बार स्मरण करके शिव मंत्र का उच्चारण करे। अपर मंडले दद्य पंच द्रव्यम तथा गुरु सोपीता क्षकितः प्रीत्वा विराचम्य शिवं स्मरेत्। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दे, शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार स्मरण करके शिव का स्मरण करे। द्वितीय मंडले शिष्य मुपवेश यथा पुरा प्रदद्यान् दन्त पावनम् यथाशोक्त लक्षणम् अग्रणतस्य मेरुन रामुखो अभ्युदन्मुख वाचनियम्य चासीन शिष्योदन्त्वान् विशोदयेत्। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्वक उठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धावन दे। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे और मौन हो उस दातों के कोमल अग्रभाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे। प्रक्षाल्य दंत पवन तथा चम्य शिवं स्मरेत्
प्रविशते श्रीपादिष्ट प्रांजलिः शिवमण्डलम्। फिर उस दातान को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके हाथ मुंह धोकर आचमन करे तथा शिव का स्मरण करे। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। प्रागोदक पश्चिमे वाग्र शिव मन्य चिवेतरम्। उस फेंके हुए दातान को यदि गुरु ने पूर्व उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियों का होम करे। ततः शिष्यं समालभ्य जपित्वा कर्णयोः शिवम् देवस्य दक्षिणे भागे पंचेशमधिपासये। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव नाम का जप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाए। अहतस्तरणास्तीर्ण सदर्वशायने शुचिः मंत्रितेन्तः शिवं ध्यायन् शयितप्रक्षिरन्निषि। वहां नूतन वस्त्र पर पीछे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिरहाना करके रात में सोए। शिखायां वद सूत्रस्य शिखया कक्षिखां गुरुः आमध्याहत वस्त्रेण कामाक्षाद्य च वर्णना। शिखा में सूत बंधे हुए उस शिष्य की शिखा को शिखा से ही बांध कर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक दे। रेखात्रयं च परीत भस्मना किल सर्षपः फिर शिष्य के चारों ओर भस्म तिल और तरसों से तीन रेखा खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा के बाह्य भाग में दिक्पालों के लिए बलि दे। शिष्य भी उपवास पूर्वक महारात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न की बातें गुरु को बताए। शिव महापुराणे सप्तम्यां वाल्मीकि संहितायां उत्तरखंडे शिव दीक्षा विधान वर्णनम नाम सप्तदशो अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत सातवीं वाल्मीकि संहिता के उत्तरखंड में शिव दीक्षा विधान वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।